सुंदरनगर नाम के गांव में रिया और प्रिया नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। रिया और प्रिया की सौतेली माँ अनीता उसकी भी एक बेटी थी, उसका नाम प्रीति था। अनीता रिंकी और पिंकी के साथ बिल्कुल नौकरों की तरह व्यवहार करती थी, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उन दोनों बहनों से पूरे दिन घर का काम करवाया करती थी। फिर एक दिन प्रिया अपने सौतेली माँ से बोलती है, माँ आप मुझे एक नई चप्पल दिलवा दीजिए, मेरा चप्पल बहुत दिनों से टूट गया है। मैं आपसे जब भी चप्पल खरीदने के लिए बोलती हूँ तो आप मुझे ही डांटती हैं, माँ मुझे एक नई चप्पल खरीद दीजिए। क्यों रे प्रिया, तू इतनी जल्दी चप्पल तोड़ देती है? तू जब जब चप्पल तोड़ेगी तब तब मैं तुझे नई चप्पल दिलवाऊंगी। चप्पल टूट गया तो बिना चप्पलों के ही चलना शुरू कर दो, मैं तुम्हें कोई भी नई चप्पल नहीं खरीदने वाली हूँ। अनीता जब प्रिया को डांट रही थी तभी उसकी बेटी प्रीति वहाँ पर आ जाती है। हाँ माँ, ये दोनों बहनें तो हम लोगों को परेशान कर देती हैं। चप्पल टूट गया तो बिना चप्पलों के नहीं रह सकती हो क्या? जाओ चुपचाप यहाँ से जाकर अपना काम करो। माँ मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं और मेरी सहेली कल मॉल में गए थे तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लहंगा पसंद आया है। माँ उसे खरीदने के लिए 10,000 रुपए दे दीजिए, वो लहंगा देखने में बहुत ही सुंदर है। माँ आप मुझे जल्दी से 10,000 रुपए दे दीजिए, मैं उसका इंतजार नहीं कर सकती हूँ। अगर उस लहंगे को किसी और ने खरीद लिया तो फिर मैं क्या करूँगी? अरे बेटा प्रीति, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी? जाओ मेरी अलमारी में 10,000 रुपए हैं, तुम उन पैसों को लेकर अपने लिए सुंदर से लहंगे खरीद लो। फिर प्रीति पैसे लेने के लिए वहाँ से अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। तभी प्रिया बोलती है, माँ आपने प्रीति को 10,000 रुपए दे दिए, वो भी लहंगा खरीदने के लिए। उसके पास तो कितने सारे ड्रेस पड़ी हैं, फिर लहंगे खरीदने की क्या जरूरत है? मैं तो आपसे सिर्फ 100 रुपए की चप्पल ही खरीदने के लिए बोली थी, लेकिन आपने उसे भी मना कर दिया। नहीं तो मैं क्या करती, तुम्हें चप्पल खरीदने के लिए पैसे देती? मेरे पास फालतू का चीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। घर में कोई काम नहीं है क्या कि तुम यहाँ पर खड़ी हो? जाओ यहाँ से जाकर काम करो। फिर एक दिन अनीता रिया और प्रिया को अपने पास बुलाकर कहती है, रिया और प्रिया बाजार से सब्जी खरीदने के लिए कौन जाएगा? जल्दी से जाओ और बाजार से सब्जी खरीद कर लाओ। ठीक है माँ, हम लोग सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं। रिया और प्रिया उदास होकर सब्जी खरीदने के लिए जा रही थी तभी उन दोनों को एक बूढ़ी दादी दिखाई देती है। उन दोनों को उदास देखकर बूढ़ी दादी उन दोनों से बोलती है, बेटा तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? इतनी तेज गर्मी पड़ रही है और तुम दोनों बिना चप्पलों के ही बाजार में जा रही हो। बेटा तुम लोगों के पास चप्पल नहीं है क्या? और तुम लोगों के तो कपड़े भी बहुत फटे पुराने लगते हैं। बेटा अगर तुम लोगों के पास कोई परेशानी है तो तुम लोग मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। बूढ़ी दादी की बात सुनकर दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ के बारे में दादी को बताने लगती हैं। बेटा ये तो तुम्हारी सौतेली माँ बहुत ही दुष्ट औरत है, तुम लोगों के पास चप्पल नहीं है ना? तुम लोग मेरे घर चलो, मैं तुम लोगों को सैंडल दूंगी। फिर बूढ़ी दादी दोनों बहनों को लेकर अपने घर जाती है और बूढ़ी दादी उन दोनों को दो सैंडल देती है। सैंडल देने के बाद बूढ़ी दादी उन दोनों से बोलती है, बेटा जो मैं तुम्हें सैंडल दी हूँ ये कोई मामूली सैंडल नहीं है, ये एक जादुई सैंडल है। ये सैंडल तुम दोनों अपने पैरों में पहन लो। इस जादुई सैंडल को तुम दोनों जैसे ही पहनोगी तुम दोनों को कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, पूरा काम अपने आप हो जाएगा। और तुम लोगों को जिस भी चीज की जरूरत हो तुम दोनों इस जादुई सैंडल से मांग सकती हो। तुम लोगों को कुछ भी मांगते ही ये जादुई सैंडल तुम लोगों को दे देगा। फिर रिया और प्रिया जादुई सैंडल को पहन लेती हैं और बूढ़ी दादी से बोलती हैं, दादी ये जादुई सैंडल कितना अच्छा है, हम लोगों के पास तो चप्पल नहीं थे लेकिन आपने तो हम लोगों को जादुई सैंडल दे दी। हाँ दादी आप बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम लोगों को ये जादुई सैंडल दी। इतना बोलकर दोनों बहनें अपने घर चली आती हैं। घर आने के बाद प्रिया जादुई सैंडल से बोलती है, जादुई सैंडल तुम हम लोगों के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना दे दो। प्रिया के इतना बोलते ही उसके सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाना आ जाता है जिसे देखकर रिया और प्रिया बहुत खुश होती हैं क्योंकि इससे पहले उन दोनों ने ऐसा खाना कभी भी नहीं खाया था। अरे दीदी ये तो सच में जादुई सैंडल है, अब तो बहुत ही अच्छा होगा,
क्योंकि अब हम लोगों को तो कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा और सौतेली माँ की सूखी रोटी भी नहीं खानी पड़ेगी। अब हम लोग इस जादुई सैंडल की वजह से बहुत ही स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। हाँ प्रिया, तू सही कहती है, अब तो हम लोगों को घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा और हम लोगों को जिस भी चीज की जरूरत होगी हम दोनों जादुई सैंडल से बोलकर मांग लेंगे। अब रिया और प्रिया को अपनी सौतेली माँ के डांट नहीं सुनने पड़ते थे क्योंकि वे दोनों जादुई सैंडल की मदद से पूरा काम कर लेती थी। फिर एक दिन प्रिया जादुई सैंडल से बोलती है, जादुई सैंडल तुम घर की अच्छे से साफ सफाई कर दो। प्रिया की इतना बोलते ही उस घर की अच्छे से साफ सफाई हो जाती है, जिसे देखकर प्रिया बहुत ही खुश होती है। लेकिन उसकी सौतेली माँ की बेटी प्रीति ये सब देख जाती है। प्रिया जैसे ही इस घर की साफ सफाई करने के लिए बोली, पूरा घर तो अपने आप चमकने लगा है। तो इन दोनों बहनों के पास जादुई सैंडल है, इसी वजह से ये लोग पूरा काम बहुत जल्द कर लेती थी। फिर प्रीति जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है और जादुई सैंडल के बारे में अपनी माँ को बताती है। अच्छा प्रीति बेटा, तो इन दोनों बहनों के पास जादुई सैंडल है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों बहनों से जादुई सैंडल अभी लेकर आती हूँ। फिर अनीता रिया और प्रिया के कमरे में जाकर उन दोनों से बोलती है, क्यों रे रिया और प्रिया, तुम दोनों के पास जादुई सैंडल है और तुम दोनों हम लोगों को बताए भी नहीं। मम्मी, इन दोनों के जादुई सैंडल देखने में कितने सुंदर दिख रहे हैं, ये जादुई सैंडल आप मुझे दिला दो, फिर मैं इन जादुई सैंडल से ढेर सारे पैसे और गहने मांगूंगी, जिससे हम लोग और भी अमीर बन जाएंगे। तुम दोनों को कुछ सुनाई दे रहा है, तुम दोनों जल्दी से ये जादुई सैंडल मेरी बेटी को दे दो। लेकिन माँ, ये जादुई सैंडल हमारे पैरों से कभी भी नहीं निकल सकता है। माँ, मैं आपको जादुई सैंडल दे तो नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बता सकती हूँ कि जादुई सैंडल कहाँ पर मिलेगा और हम लोगों को ये जादुई सैंडल किसने दिया है। हाँ तो जल्दी से बताओ कि तुम दोनों को ये जादुई सैंडल कहाँ पर मिला है और तुम लोगों को किसने दिया है। फिर रिया बूढ़ी दादी के बारे में अपनी सौतेली माँ को बताती है। फिर अनीता और प्रीति बूढ़ी दादी के पास पहुँच जाती है और उनसे बोलती है, दादी जी, हम लोग बहुत गरीब है, आप हम लोगों को जादुई सैंडल दे दीजिए। उन दोनों को देखकर बूढ़ी दादी समझ जाती हैं कि ये दोनों रिया और प्रिया की सौतेली माँ और बहन हैं। फिर बूढ़ी दादी प्रीति को एक जादुई सैंडल देती हैं। जादुई सैंडल को लेकर प्रीति और उसकी माँ अपने घर चली आती हैं। घर आने के बाद प्रीति जैसे ही उस जादुई सैंडल को पहनती है, प्रीति के पैर जलने लगते हैं। अरे माँ, ये मेरे पैरों में क्या हो रहा है, मेरा पैर बहुत जोरों से जल रहा है, माँ तुम कुछ करो। अरे प्रीति बेटी, ये कैसे हो सकता है, रिया और प्रिया के जादुई सैंडल से तो कुछ भी मांगने पर वो चीज हो जाता था, फिर तेरे पहनते ही तेरा पैर क्यों जलने लगा है। अनीता के इतना बोलते ही एक जादुई सैंडल में से आवाज आती है, अनीता अब तुम्हें समझ में आया, तुम रिया और प्रिया के साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी इसी का सब सजा है। तुम जल्दी से जाकर दोनों बहनों से माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हारी बेटी की मृत्यु हो जाएगी। फिर अनीता और प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन दोनों ने रिया और प्रिया के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। फिर वे दोनों रिया और प्रिया के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगने लगती हैं। रिया और प्रिया, मेरी बेटी, तुम हम दोनों को माफ कर दो, हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम हम दोनों को माफ कर दो। हाँ रिया और प्रिया, तुम हमें भी माफ कर दो, आज से हम तीनों बहने हैं, आज से हम लोग बहुत खुश रहेंगे, तुम हमें माफ कर दो रिया और प्रिया। रिया और प्रिया को अपनी सौतेली माँ और बहन पर दया आ जाती है। फिर वो दोनों बहनें अपनी माँ और बहन को माफ कर देती हैं। अब प्रीति के पैर जलना भी बंद हो जाता है। जादुई सैंडल की वजह से रिया और प्रिया अपनी माँ और बहन के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को दुख और तकलीफ नहीं देनी चाहिए और उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और ऐसे ही नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।